सुष्मिता सेन की भाभी चारू सोपा बीते कुछ वक्त से पति राजीव सेन के साथ तलाक को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इन दोनों का रिश्ता मीडिया की हेडलाइंस में बना हुआ है, लेकिन अब खबर आई है कि इस कपल की बेटी जियाना की हालत कुछ ठीक नहीं है। जियाना को एक भयानक बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से ये नन्ही सी बच्ची ना कुछ खा पा रही है और ना ही पी पा रही है। अब इस बात का खुलासा खुद चारू सोपा ने किया है। चारू ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी बेटी की बीमारी से जुड़ी जानकारी दी। वीडियो में चारू सोपा बोलती हैं, जियाना को HFMD यानी कि हेड फुट एंड माउथ डिजीज हो गई है। मैं हर पल उसके साथ हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस वक्त वो अकेला फील करे। उसके चेहरे, पैर, हाथ और गले के अंदर छाले हो गए हैं। वो कुछ भी खा नहीं पा रही। चारू ने बताया कि जियाना बुरी तरह से रो रही थी, जिसके बाद उसे दवाएं दी गई। रात में 2:30 बजे के बाद वो जियाना को हॉस्पिटल ले गई। चारू ने कहा कि वो अकेली है, लेकिन हिम्मत जुटाई और जियाना की देखरेख करने की कोशिश की, लेकिन बाद में अस्पताल जाते वक्त वो रोने लगी, क्योंकि वो वाकई में डर गई थी। वीडियो के आखिर में चारू ने कहा, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब जिंदगी में चुनौतियाँ आए, आपको इन्हें धैर्य के साथ हैंडल करना चाहिए और ठंडे दिमाग के साथ। वेल, हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखा जैन, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।